हेलो एवरीवन। देखिए अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, जब लाइट पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो रिफ्रैक्शन होती है, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज़ रिटन एज। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है, ये मीडियम क्या है आपके पास वन है और ये वाला मीडियम क्या है टू है, क्लियर। ये लाइट एंटर करी फर्स्ट मीडियम से, ठीक इस तरीके से, और यहाँ पर मैं मान लो ये रेयरर मान के चल रहा हूँ और ये वाला डेंसर मान के चल रहा हूँ, तो ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी इस तरीके से, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम इसको बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इस तरीके से बोलते हैं हम, जिसमें जा रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो ज़रा, अगर हम इसको लिखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंडिविजुअल एन टू बाय एन वन, यही होगा, ठीक। अब जैसे मान लो एन टू है, एन टू सिंगल हो गया और एन वन भी सिंगल का हो गया, तो सिंगल वाले क्या होते हैं सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। अगर मैं एन टू की बात करूँ, देखो यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ, देखो अगर एन टू लिखूँगा तो वो भी क्या लिखूँगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, ये सब इधर रफ में चल रहा है, ठीक, और अपॉन में क्या चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ये चलने वाला है, ठीक है, जो भी ये मीडियम होगा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमने तो वन टू थ्री से लिखा है इसको, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन टू इजिकल टू में वैक्यूम वाले को सी से लिखते हैं हम, और मीडियम टू वाले को हम वी से लिखते हैं, और ये मीडियम टू है तो वी टू लिख दूंगा, ठीक है। तो एन टू की जगह तो हम यहाँ ये लिख देंगे सी बाय वी टू। सिमिलरली एन वन की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, सी बाय वी वन लिख देंगे, इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब इनको सॉल्व करेंगे तो सी बाय वी टू इंटू में ये वी वन ऊपर चला जाएगा और ये सी नीचे, देखो सी से तो सी कैंसिल, सेम ही है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूला बना यहाँ से, वी वन बाय वी टू, तो इसका मतलब वन एन टू का जो फॉर्मूला बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, एन टू बाय एन वन तो था ही यहाँ, ये तो हमें पता ही था, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। लेकिन वेलोसिटीज़ के लिए भी पता चल गया, ये क्या आता है यहाँ पर, वी वन बाई वी टू आएगा, क्या इतनी बात समझ रहे हो। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी यहाँ से, जो मैं जैसे मान लो ग्लास का ले लो एग्जाम्पल, ठीक है, ये पिछले टॉपिक में जो किया था हमने, मैंने कहा था ना ए एन जी कर रहे थे हम, ठीक है, इसको एन जी बाई एन ए तो रखते हैं, लेकिन एन जी का फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है ये किसका, ग्लास की स्पीड क्या थी हमारे पास, वी जी, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, वी जी, और ये वाली क्या लिखेंगे ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी ए। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूँ आपको, ये यहाँ लिखता हूँ, देखो एन, ये जी और ये ए, तो इसको मैंने ऐसे ही तो लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी कि वी ए, और ये क्या है, वी जी, तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात हो गई ना ये, ठीक है। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ये तो हमें पता है एन टू बाई एन वन आता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला आ गया वी वन और ये वाला वी टू, जिसमें से आ रही होती है लाइट, जैसे ये वाली यहाँ से आ रही है तो ये वाली स्पीड ऊपर आ गई और जिसमें जा रही होती है वो स्पीड नीचे आ गई। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इंडिविजुअल के लिखते हैं तो वो उल्टे हैं, वन एन टू है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन है, तो टू ऊपर आता है और ये वन नीचे आता है, लेकिन वेलोसिटी में वन ऊपर आ जाता है और टू नीचे आता है, क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते क्या, बताओ क्लियर हो रही है या नहीं बात, इतनी कोई दिक्कत इसमें तो बताओ। तो सिमिलरली देखो जैसे यहाँ पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू का था विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखो ये जो है ना फॉर्मूला न्यूमेरिकल में बड़े यूज़ होंगे आपके, सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू का कर लेते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, इसी तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एन वन बाय एन टू। तो एन वन के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखो अगर एब्सोल्यूट के लिए, ये एब्सोल्यूट है ना अलग अलग, तो ये आ जाएगा सी बाय वी वन और ये क्या आ जाएगा सी बाय वी टू, इनको भी ऐसे लिखेंगे, देखो सी बाय वी वन इन टू में ये वी टू ऊपर जाएगा और ये सी नीचे, सी इधर आ गया मतलब कट गया ये सी, और ये कितना बचा देखो ऊपर वी टू बाय वी वन, तो इसमें भी देख लो टू एन वन मतलब क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, एन वन बाय एन टू तो हम लिखते ही हैं, साथ में क्या आ जाएगा ये वी टू बाय
V1 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो, क्लियर हो रही है? और इधर से ये आ गया हमारे पास, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए वेलोसिटीज़ के केस में क्या होता है, ये जैसे ऊपर 1 है तो इधर भी 1 आएगा, ये 2 है ये 2 आ गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लिखते हैं तो 2 पहले 1 नीचे। इसी तरीके से यहाँ भी देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका था, ये 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एब्सोल्यूट लिखते हैं हम तो 1 ऊपर 2 नीचे, जिसका निकाल रहे होते हैं वो ऊपर और दूसरा नीचे। और वेलोसिटीज़ के केस में क्या हो जाता है, देखो ये 2 ऊपर है तो 2 इधर और 1 इधर, ऐसे याद रखने का इसका तरीका है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो अब देखो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इसके भी एग्जांपल में देखो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बता रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू वाटर बता रहा हूँ। तो देखो ज़रा यहाँ से आपको अब समझ में आ जाएगी इसकी कहानी। देखो N है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, ठीक है। तो हम इसको लिखते कैसे, एन जी बाई एन डब्ल्यू यही लिखते हैं। और एन जी को कैसे लिखते बताओ ज़रा जल्दी से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये आ जाएगा आपके पास वी जी, और ये कितना जाता है सी बाय वी डब्ल्यू। देखो अब यहाँ से भी सी बाय वी जी इंटू में, और ये वी डब्ल्यू ऊपर और ये सी नीचे, कितना आ गया ये देखो, वी डब्ल्यू अपॉन में वी जी, वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन में वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एन जी बाय एन डब्ल्यू तो है ही, साथ में क्या आ गया आपके पास ये वी डब्ल्यू बाय वी जी, क्लियर। सिमिलरली अगर हम कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, फिर क्या होगा, तो देखो क्या होगा, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है तो यहाँ आ जाएगा एन डब्ल्यू बाय एन जी, और यहाँ भी सिमिलरली उल्टा करना है तो ये वी जी ऊपर आ जाएगा और वी डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, समझ लो। इस केस में अगर हम वाटर का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, समझ गए होंगे फॉर्मूले किस तरीके से बन रहे हैं, बस ये ध्यान में रखना है आपको और कुछ भी नहीं है। एक रिलेशन है देखो ज़रा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। देखो देखो जैसे आपको पता है ये 1 एंड 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 ये आया था हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ वेलोसिटी के लिए लिखता हूँ, ये देखो यहाँ पर कर देता हूँ इसको। देखो 1 एंड 2 इज़ V1 बाय V2 एंड N1, और ये उधर 2 ये था आपके पास V2 बाय V1 यहाँ से, ठीक है। ये मान लो फर्स्ट है और ये सेकेंड है, क्लियर। इसको आप रिलेशन बिटवीन ये भी बोल सकते हो, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो 1 एंड 2 को, तो देखो मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो देखो क्या होगा 1 एंड 2 इंटू में 2 एंड 1, तो ये आ जाएगा इधर से V1 V2 मल्टीप्लाई में V2 बाई V1, समझ रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दिख रहा है ये। देखो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड को, तो V1 से ये V1 कैंसिल, V2 से ये V2 कैंसिल, तो ये आ गया 1 एंड 2 इज इंटू में 2 एंड 1 इज इक्वल टू में 1, और 1 एंड 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 2 ऑफ n1, ये नीचे चल जाएगा इसके, समझ रहे हो। तो ये एक रिलेशन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये था हमारे पास, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, 1 एंड 2 इंटू में 2 ऑफ n1 इक्वल टू 1 आया, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ रखते 2n1 को और ये 1 एंड 2 इधर चला जाता नीचे, ठीक है, तब भी ये क्या है आपके पास, रेसिप्रोकल। ये यहाँ आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्लियर है इतनी कहानी या नहीं, ठीक है। सिमिलरली आप इनको भी लिख सकते हो, जैसे ये थे हमारे पास ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर था और ये क्या था, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इनको भी लिख सकते हो ऐसे, WNG इज इक्वल टू में 1 अपॉन में W और ये G, ठीक है। इस तरीके से इनको भी लिख सकते हो, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। देखो इसका फ़ायदा क्या होगा आपको, जैसे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लो ये 1.52 दिया हुआ है, इस तरीके से मान लो, ठीक है। और आपको पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, समझ रहे हो, तो कैसे निकाल लोगे बताओ। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है तो ये आ गया 1.52,
इज इक्वल टू में 1/z जी एन डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से जी एन डब्ल्यू नहीं निकल जाएगा, बताओ जी एन डब्ल्यू 1/ में ये आ जाएगा 1.52 यहाँ पर, तो वाटर का भी निकल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसको सोल्व कर लेंगे बस हम, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स में आगे बताऊंगा ही मैं आपको। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक रिलेशन भी था आपके पास, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान से नोट करना है इसको, ठीक है। इसको आप अलग से टॉपिक का नाम भी दे सकते हो, रिलेशन बिटवीन 1N2N2N1, या फिर नॉर्मल आप लिख लो ये रिलेशन, ये क्योंकि यूज़ होने वाला है आपके पास किस में, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। समझ में आया टॉपिक, बहुत ही सिंपल सा था, कर लोगे इसको, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।